पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो देहरादून से आ रही है। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11 बजे सचिवालय में होगी। कैबिनेट की अहम बैठक, प्रदेश में स्कूलों को खोलने पर चर्चा हो सकती है, बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कोरोना रोकथाम को लेकर भी चर्चा हो सकती है। वन विभाग नर्सों की भर्ती का उठ सकता है मुद्दा, रुपये का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। आज त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक होगी। देहरादून में होने वाली इस बैठक में कई विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में प्रदेश में बंद पड़े स्कूलों को खोलने पर फैसला हो सकता है। स्कूल खोलने को लेकर सभी जिलों से शिक्षकों और अभिभावकों की राय जिलाधिकारियों के माध्यम से शासन तक पहुंच चुकी है। और कोरोना संक्रमण को देखते हुए जहां कुछ अभिभावकों की ओर से स्कूल खोलने का विरोध हो रहा है, वहीं शिक्षा विभाग 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू कराने के पक्ष में है। आपको बता दें, उत्तराखंड में 22 मार्च से प्रदेश में स्कूल बंद है। इसके अलावा कैबिनेट में त्योहारी सीजन में COVID-19 की रोकथाम को लेकर भी चर्चा हो सकती है। वन विभाग की ओर से कैंप के तहत ही रोजगार देने, नर्सों की भर्ती को लेकर नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव और पर्यटन विभाग के रुपए के प्रस्ताव में भी कैबिनेट में चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं। और संवाददाता सुरेंद्र असीला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आज कैबिनेट की अहम बैठक है और क्या कुछ जानकारी, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है ये। देखिए, कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक 11 बजे से शुरू होगी। सीएम की अध्यक्षता में बैठक होनी है और कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे ज्यादा जो दिलचस्प होगा या जिसका इंतजार लोगों को है, वो स्कूल खोलने को लेके है। COVID-19 के चलते 22 मार्च से प्रदेश में स्कूल बंद हैं और स्कूलों को लेकर अब क्या सरकार की रणनीति है, कैबिनेट क्या चाहती है, ये सारी चीजें आज साफ होंगी। हालांकि ये नीतिगत फैसला नहीं है, नीतिगत फैसले ही कैबिनेट में आते हैं, लेकिन जिस तरीके से कोविड के चलते हालात बेहद खराब हुए हैं और उसके बाद स्कूल बंद हुआ है, ऐसे में पूरी कैबिनेट ही ये तय करेगी कि आखिरकार स्कूल कब खोले जाएंगे, किस तरह से खोले जाएंगे, कितने चरण में खोले जाएंगे, व्यवस्थाएं क्या होंगी, SOPs क्या होंगी, अगर किसी तरीके के नियम टूटेंगे तो उसके लिए कार्रवाई क्या होगी, ये सारी चीजें इसमें तय होनी है। दूसरा, पर्यटन विभाग के रोपवे के कई प्रस्ताव हैं जो अलग अलग पर्यटन स्थलों पर बनने हैं, उनको लेके कैबिनेट में चर्चा होगी। बजट क्या है, कौन कौन से प्रस्ताव है, इन सारी चीजों पर आज उम्मीद है कि कैबिनेट में डिसीजन हो जाएगा। डॉक्टर्स की एक दिन का वेतन कोविड के फंड में काटने को लेकर डॉक्टरों में काफी नाराजगी थी। वो सीएम से भी मिले थे, पिछली कैबिनेट में इस पर फैसला होना था लेकिन नहीं हुआ था। इस कैबिनेट में उम्मीद है कि शायद इस पर फैसला होगा, आज कुछ ना कुछ कैबिनेट की ओर से इस पर हल निकलेगा। इसके अलावा नर्सों की भर्ती के लिए जो नियमावली है उस पर संशोधन प्रस्ताव तैयार है, उस पर हो सकता है कि आज चर्चा हो। इसके अलावा कुछ और विभाग है जिनकी नियमावलियां तैयार हो चुकी हैं या संशोधित हो चुकी हैं, उन पर आज कैबिनेट में चर्चा करनी है कि आखिरकार उन पर किस तरीके के डिसीजन लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में भी कुछ नए प्रस्ताव हो सकते हैं जो कैबिनेट में आज चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं, क्योंकि सरकार के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा जो एक साल में रोजगार वर्ष के तौर पर इसे निकालें, ज्यादा से ज्यादा भर्तियां निकले। तो इस तरीके की कुछ प्रस्ताव है जो कैबिनेट में आज चर्चा होगी, जिन पर और कैबिनेट में चर्चा के बाद इन पर मुहर लग सकती है। चलिए जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी बीच चमोली से बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का आज बद्रीनाथ दौरा, प्रेमचंद अग्रवाल करीब 11 बजे पहुंचेंगे बद्रीनाथ धाम। भगवान बद्री विशाल की करेंगे विशेष पूजा अर्चना। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे करीब 11 बजे, भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष का आज बद्रीनाथ दौरा जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद अग्रवाल करीब 11 बजे पहुंचेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। चमोली से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, करीब 11 बजे प्रेमचंद अग्रवाल बद्रीनाथ पहुंचेंगे, भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना करेंगे। और आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा ये भी जानेंगे, ये भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अभी जो बड़ी खबर है वो ये है कि बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना करेंगे।
स्मार्ट सिटी के काम का जायजा लेने पहुंचे सीएम ने जल्द कैबिनेट विस्तार के भी संकेत दिए। उन्होंने कहा कि शुभ कार्यों के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। राज्य कैबिनेट में 3 पद खाली हैं, इनमें से 2 पद सरकार के गठन के समय से ही रिक्त हैं। दरअसल राज्य कैबिनेट में सीएम को मिलाकर 12 मंत्री हो सकते हैं। जब सरकार का गठन हुआ था तब सीएम को मिलाकर 10 मंत्री कैबिनेट में थे। फिर पिछले साल 5 जून को कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत के निधन के बाद एक और सीट खाली हो गई, यानी कैबिनेट में रिक्त पदों की संख्या 3 हो गई है। इसके बाद से ही मंत्रिमंडल में फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। अब सीएम ने संकेत दिए हैं कि नवरात्रि से पहले इस पर कोई फैसला हो सकता है। मंत्रिमंडल को लेकर सर मिलने वाले, सर बता दीजिए, बहुत इंतजार कर रहे हैं। सुबह से शीघ्र नवरात्रि की इंतजारी नहीं करनी पड़ती। उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट के लिए 27 अक्टूबर को नामांकन होगा और 9 नवंबर को वोटिंग मतदान। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राज बब्बर का कार्यकाल पूरा होने पर राज्यसभा की सीट खाली हो रही है। इस सीट के लिए बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है। बहुमत होने के चलते भाजपा को इस सीट को जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि अब तक उम्मीदवार का चयन नहीं हुआ है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने प्रत्याशी के सवाल पर कहा कि केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ही ये तय करेगा कि कौन राज्यसभा का उम्मीदवार होगा। राज्यसभा के लिए, क्योंकि उसके लिए हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, उसमें विचार किया जाता है और ये अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड को है कि वो किसको यहाँ से राज्यसभा का सदस्य बनाना चाहते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया है। सीएम के साथ साथ स्मार्ट सिटी के सीईओ और जिले के डीएम आशीष श्रीवास्तव भी मौजूद थे। उन्होंने सीएम को स्मार्ट सिटी की प्रगति की जानकारी दी। परेड ग्राउंड के पुनर्निर्माण के तहत सड़क, ड्रेनेज, वर्षा जल संचयन और लैंडस्केपिंग और जलापूर्ति के काम किए जा रहे हैं और कॉन्वेंट रोड चौड़ीकरण के लिए 95 मीटर बस बेस तैयार किया जा रहा है। 473 मीटर लंबाई की आरसीसी की नाली बन चुकी है। परेड ग्राउंड के चारों ओर मुख्य पेयजल की लाइन बिछाई जाएगी। 30 अक्टूबर 2021 तक परेड ग्राउंड के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के काम पर सीएम ने संतुष्टि जताई है। उन्होंने कहा है कि काम काफ़ी तेज़ी गति से चल रहा है। देहरादून स्मार्ट सिटी का जो काम हुआ है बहुत तेजी से हुआ है। जब देहरादून का सिलेक्शन हुआ था तो 100वें नंबर पे था और यहाँ की जो काम की प्रोग्रेस थी वो 13वें नंबर पर बीच में आ गया था। अब कोविड काल के बाद बहुत तेजी से इस पर काम हो रहा है और एक देहरादून बहुत खूबसूरत देहरादून बनने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी का जो सपना देखा कि भारत में भी स्मार्ट सिटी होना चाहिए, तो देहरादून भी उनमें एक अच्छी सिटी उसमें से विकसित होकर निकलेगी। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती मामले को लेकर एक बार फिर राजनीतिक गर्मा गई है, जिसको लेकर देहरादून में एनएसयूआई ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एनएसयूआई के प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी कूद पड़े हैं। देहरादून में एनएसयूआई के प्रदर्शन में पूर्व सीएम हरीश रावत, उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे और इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के मामले को लेकर सरकार को आड़े हाथ लिए। देहरादून में हरीश रावत की अगुवाई में कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन का मुद्दा बेरोजगारी था। प्रदर्शन के दौरान सचिवालय का घेराव भी किया गया। सड़क पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोर आजमाइश को देखने को भी मिली है। प्रदर्शन के बीच कांग्रेस नेता हरीश रावत से बात की हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने। कांग्रेस लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, बेरोजगारी को लेकर राज्य सरकार पर बड़े हमले कर रही है। पंजाब के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत जी हमारे साथ हैं। सर, आप लगातार बेरोजगारी को लेकर सवाल उठा रहे हैं और आज आपने बहुत तीखा हमला किया है राज्य सरकार पर। आमतौर पर इस तरीके के हमले आप नहीं करते हैं, लेकिन आज बहुत सख्त। बेरोजगारों का सवाल है, नौजवानों के भविष्य का सवाल है, उन्हीं का क्रोध है, ये आक्रोश है। आप उनके साथ 3.5 साल से नाटक कर रहे हैं,
ये नहीं चल सकता है। जो हमको चुनौती दे रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, किसी एक सेक्टर को देख लो, तुम राजस्व विभाग में देख लो, तुम स्वास्थ्य विभाग में देख लो, तुम शिक्षा विभाग में देख लो, तुम आयुर्वेदिक विभाग में देख लो, तुम पुलिस विभाग में देख लो। जितनी मैंने पुलिस में लड़कियाँ भर्ती की और होमगार्ड और पीआरडी में भर्ती की, ये तो टोटल राज्य में उतनी भर्तियां नहीं कर पाए। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जहां ये हमारे मुकाबले कहीं भी खड़े हों। और इन्होंने जो पद मृत घोषित किए हैं वो बड़ी भारी चिंता का विषय है। इसलिए हमने तय किया है जब सत्ता में आएंगे तो 2 से 2.5 साल के अंदर सारे रिक्त पड़े हुए पदों को भरेंगे और जिन पदों को इन्होंने मृत घोषित किया है कांग्रेस उन सबको पुनर्जीवित करेगी। सर, आपने बहुत तीखा हमला किया मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पर, क्या कुछ कहेंगे सर? हाँ, वो बीरबल ने शायद अपनी खिचड़ी की हड्डियाँ इतने लंबे बांस में नहीं बांधी थी जितना त्रिवेंद्र भाई ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट स्वरोजगार योजना की हड्डियाँ बांध करके रख दी है। कभी वो खिचड़ी पकेगी भी, ये बड़ा सवाल है जो मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। सर, आखिरी सवाल, हरीश रावत और प्रीतम सिंह इतने आक्रामक रूप में कभी नजर नहीं आते हैं, क्या ये एक साल तक हमको इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिलेंगे, यानी विपक्ष जिस तरीके से जो मजबूत विपक्ष दिखता है वो दिखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मजबूत विपक्ष दिखाई देगा, मजबूत संघर्ष होगा, जनता के सवालों पर हम लड़ेंगे। बेरोजगारी के मुद्दे पर हरीश रावत ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने जो वादे किए हैं वो वादे ही रह गए हैं, और जहां तक नियुक्तियों की बात है सरकार इसके लिए विज्ञप्तियां तक नहीं निकाल पाई है। कांग्रेस आक्रामक रुख में है और उसका कहना है कि अगले एक साल इसी तरह से वो प्रदर्शन करेगी और सरकार से जनता का हिसाब मांगेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। और चलिए बात करते हैं पिथौरागढ़ में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 8 पुलों का लोकार्पण किया था। बीआरओ की ओर से पिथौरागढ़ जिले में ये 8 पुल बनाए गए हैं, जिसको लेकर अब राजनीति भी होने लगी है। बीजेपी जहां इन पुलों के बनने से सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास में मदद मिलने की बात कही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रीतम सिंह के मुताबिक कांग्रेस शासनकाल में इन पुलों की स्वीकृति हुई थी। प्रीतम सिंह का कहना है कि क्या सब कुछ पिछले 6 सालों में ही हुआ है? उन्होंने बीजेपी पर सिर्फ मुद्दा बनाने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी की आदत है, इन्होंने अपने रिज्यूम में देश को क्या दिया, देश की जनता इसको भली भांति जानती है। अब उन्होंने कहा अटल टनल भी जो है वो भी हमारी देन है, किसकी देन है, किसने इसकी आधारशिला रखी, सब जानते हैं। तो ऐसा नहीं है। अब क्या कांग्रेस जमाने में कुछ नहीं आया, इन सब 6 सालों में सब कुछ हो गया। भाजपा हर चीज को जो है मुद्दा बना करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करती है। हरिद्वार में कुंभ मेले को लेकर शासन और मेला प्रशासन द्वारा लगातार दावे किए जा रहे हैं कि जितने भी कार्य हैं उन्हें समय सीमा पर पूरे कर लिए जाएंगे, लेकिन अभी भी हरिद्वार में कई ऐसे काम हैं जो लगता नहीं है कि कौन से पहले पूरे हो सकेंगे। उधर कुंभ मेले में अधूरे कार्यों को लेकर संत समाज मुखर होता रहा है और कई बार संत समाज द्वारा शासन और मेला प्रशासन से वार्ता की गई। कुंभ के कार्य को जल्द पूरा किया जाए। महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज का कहना है कि हरिद्वार शहर की सड़कों की स्थिति काफी खराब है और फ्लाईओवर का भी निर्माण नहीं हुआ है। वहीं विपक्ष ने भी सरकार को आड़े हाथ लिया है, लेकिन शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि सरकार की तैयारियां पूरी हैं और उन्होंने वक्त रहते सभी कार्य को पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। कोरोना की वजह से इनकी जो स्पीड है वो धीमी हुई, लेकिन इसकी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसका हमारे पास सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से मॉनिटरिंग भी हो रही है। सभी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे जो यहाँ पे उपमेलाधिकारी हैं उनको भी, अपर मिला अधिकारी को भी निर्देश है कि वो बीच बीच में इंस्पेक्शन करें, तो इन सभी को हम 15 दिसंबर से पहले जरूर पूरा करवाएं। इसमें हमारी जो मीटिंग है NHAI के ऑफिसर से हुई है और इसमें चीफ सेक्रेटरी साहब के लेवल पे भी एक मीटिंग प्रस्तावित है बड़ी जल्दी। समय समय पे बाकी लोग भी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तैयारी है वो पूरी है, टाइम से काम पूरे हो जाएंगे और हम लोग मैं समझता हूँ कि दिसंबर में सभी माने संतों के साथ बैठकर और कोविड की दृष्टिगत तब तय होगा कि इसका स्वरूप क्या होगा, लेकिन जो विकास के काम चल रहे हैं वो काम हम पूरे कर लिए। की स्थिति तो खराब है, रोडों की पुल भी नहीं पूरे निर्माण हुए। आश्वासन तो इन्होंने दिया है कि जो भी डेडलाइन निश्चित की गई है कार्य पूरे होंगे, और मुझे लगता कि
पूरे कार्य हो जाएं इसके लिए शुभकामना। यदि अधूरे रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं कमजोरी भी नजर आएगी प्रशासन और शासन की। ऐसा लगता कोरोना के कारण काम यहाँ बहुत विलम्ब से हो रहे हैं और इसका प्रभाव कुंभ पर पड़ेगा। इतना भव्य और दिव्य नहीं बन सकता जैसा इलाहाबाद प्रयागराज का था। कोविड के का बहाना है, कोविड नहीं होता अभी अर्ध कुंभ हमारे पूर्ण कुंभ उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। भाई कुंभ में ठीक है कोविड का हमें भी ध्यान रखना चाहिए और सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये हमारा धार्मिकता का सबसे बड़ा आयोजन होता है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला है, इसको कोविड को ध्यान में रखते हुए उचित दूरी का पालन करते हुए सरकार ने इसको करने का काम करना चाहिए। नैनीताल हाई कोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर सचिव आबकारी से दोबारा से शपथ पत्र पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ से हुई। कोर्ट के आदेश में सचिव आबकारी द्वारा शपथ पत्र पेश किया जिस पर याचिकाकर्ता की ओर से आपत्ति जताई गई। इस कारण कोर्ट ने सचिव आबकारी से दोबारा शपथ पत्र पेश करने को कहा। अधिवक्ता डी के जोशी की ओर से कोर्ट के पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर आबकारी सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि 29 अगस्त 2019 को हाई कोर्ट की ओर से दिए आदेश में आबकारी विभाग से कहा है कि वो 6 महीने के भीतर शराबबंदी और आबकारी अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत नीति बनाए, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने अपने आदेश में कई दिशा निर्देश भी जारी किए थे जिसमें राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से पूर्ण शराबबंदी हेतु नीति बनाने, प्रदेश में संचालित सभी शराब की दुकानों में सरकार सीसीटीवी कैमरे लगाने, धार्मिक स्थलों के पास शराब की बिक्री को प्रतिबंधित करने के निर्देश भी दिए गए थे। धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे फिल्म स्टार जिमी शेरगिल को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल हर की पैड़ी के पास सड़क पर खुदे एक गड्ढे में जिमी शेरगिल की गाड़ी फंस गई। काफी देर की मशक्कत के बाद भी जब उनकी कार गड्ढे से नहीं निकली तो जिमी शेरगिल ने स्थानीय लोगों की मदद से कार को गड्ढे से बाहर निकलवाया, तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली और इस दौरान जिमी शेरगिल को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आपको बता दें इन दिनों हरिद्वार में गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है जिसकी वजह से शहर की तमाम सड़कें खुदी हुई हैं, जगह जगह गड्ढे होने से लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। उत्तरकाशी के जनपद की यमुना घाटी के पुरोला इलाके में डोरापोस की अवैध खेती बदस्तूर जारी है जिसके खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। पुरोला पुलिस ने मटियाली गांव की डोडापोस की अवैध खेती कर रहे 9 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस में सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने अवैध खेती कर रहे लोगों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। सभी आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली इलाके में डबल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल शिवालिक नगर स्थित एक मकान में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी गई और आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने मकान के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहा है और हत्यारों की तलाश में पुलिस जो है वो जुट गई है। साहसिक खेलों और प्रशिक्षण के लिए विश्वविख्यात पर्वतारोहण एवं स्काइंग संस्थान ITBP ओली में 110 बेसिक और 65वें एडवांस पर्वतारोहण कोर्स में ITBP के जवानों को प्रशिक्षित किया गया। पहाड़ पर हिंद के 99 हिम वीरों को तैयार किया गया। कोविड काल में भी ITBP ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कार्यों को जारी रखा और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लगभग हर विधा में जवानों को प्रशिक्षित कर रही है। ITBP के DIG गंभीर सिंह चौहान के मुताबिक पर्वतारोहण एवं स्काइंग संस्थान ओली की अध्यक्षता में इन कोर्सेज का समापन समारोह आयोजित हुआ और इस प्रशिक्षण में ITBP के अधिकारी महिला कर्मी और कई कर्मी शामिल हुए। संस्थान द्वारा प्रशिक्षुओं को कोर्स के दौरान चट्टानारोहण और आपको बता दें कि रॉ क्राफ्ट और कई तरह की यहां पर ट्रेनिंग भी दी गई। आपको ये भी बता दें यहां ITBP के जवानों को कठिन से कठिन परिस्थितियों में ट्रेनिंग दी जाती है। और अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।